हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निकुश कलेक्शन। होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चीज़ गार्लिक ब्रेड रेसिपी, जिसका टेस्ट बिल्कुल डोमिनोज के चीज़ गार्लिक ब्रेड की तरह है। इसे हम विदाउट अवन एंड विदाउट माइक्रोवेव के बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें तवा यूज़ करेंगे। इसका गार्लिक बटर टेस्ट है, वो भी हम घर पर ही रेडी करेंगे, मार्केट से परचेज नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। ये मैंने 4 स्लाइसेस ले ली है ब्रेड की। यहाँ मैंने चीज़ ले लिया है, मोज़रेला एंड अमूल चीज़। ये मैंने स्टफिंग एंड पेस्ट के लिए एक कैप्सिकम ले ली है, एक अनियन है, एंड ये मैंने ले लिया है लहसुन गार्लिक, एंड ये चिलीज़। ये अमूल का बटर ले लिया है। सीजनिंग आप कोई भी सीजनिंग ले सकते हैं, ऑर्गेनो या मिक्स्ड हर्ब्स। यहाँ मैंने ग्रेट कर लिया है लहसुन 15 से 20 का लिया, तो कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर मैंने चॉप कर ली है अनियन एंड कैप्सिकम, जिसमें मैंने हाफ कैप्सिकम चॉप किया है एंड एक अनियन चॉप की है। एंड ये मैंने चिली फ्लेक्स बना लिया है, मिर्च को अच्छे से कूट लिया था। ये मैंने कोरिएंडर कट कर लिया है, धनिया। यहाँ पर मैंने 5 से 6 चम्मच जो है बटर लिया है, जो कि रूम टेम्परेचर पर था। इसका आप अच्छे से ध्यान रखें, बटर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। चलिए हम पेस्ट तैयार कर लेती हैं। एक बोल में हम मिक्स कर देते हैं ये गार्लिक, जो कि हमने ग्रेट किया हुआ है, कद्दूकस किया हुआ 15 से 20 का लिया। एंड इसमें हम बटर ऐड कर देंगे, जो कि 5 से 6 चम्मच हमने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था। कि इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे 1 स्पून। इस तरीके से मिक्स कर लीजिए इसको अच्छे से। इसमें मिक्स्ड हर्ब्स ऐड किए हैं मैंने, आप चाहें तो ऑरेगैनो यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है आप क्या चाहते हैं। एंड इसमें मैंने कोरिएंडर मिक्स कर दिया है, क्योंकि कटा हुआ धनिया है। अच्छे से मिक्स कर लें पेस्ट बनाने के लिए। ये पेस्ट हमारा रेडी है, देखिए। इस पेस्ट को हमें स्लाइसेस पर लगाना है, ब्रेड स्लाइसेस, जो कि हमने 4 ब्रेड स्लाइसेस ली है। चलिए पेस्ट हम ब्रेड पर लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगाना है इसको। हम पेस्ट को ज़्यादा नहीं लेना है, ना ही कम लेना है, इवनली इसको स्प्रेड करना है ब्रेड पर। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इस तरीके से हम चारों स्लाइसेस पर इसी तरीके से पेस्ट लगा लेंगे। ये चारों स्लाइसेस रेडी हैं। एंड इसको पलट लेंगे बैक साइड में, पेस्ट लगाने के लिए ब्रेड को पलट लेंगे बैक साइड में। हमें ज़्यादा पेस्ट यूज़ नहीं करना है, बिकॉज़ क्योंकि गार्लिक का जो फ्लेवर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा, एंड आपकी जो ब्रेड होंगी वो भी काफ़ी सॉफ्ट होंगी। इसलिए थोड़ा कम अमाउंट जो है पेस्ट का रखें बैक साइड पर। इसी तरीके से हम चारों ब्रेड पर लगा लिया है। देखिए ये बैक साइड का है, मैं फ्रंट साइड में दिखाती हूँ। देखिए ज़्यादा पेस्ट लगाया हमने इसी तरीके से। देखिए इसी तरीके से मैंने चारों ब्रेड रेडी कर ली हैं गार्लिक पेस्ट लगाकर। अब हम बटर जो है ये साइड में रख देते हैं। और ये मैंने चीज़ ले लिया है, 2 तरीके के चीज़ है, अमूल चीज़ एंड मोज़रेला चीज़। मैं स्लाइस चीज़ यूज़ नहीं करूँगी, आप चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर मोज़रेला चीज़ नहीं है तो, क्योंकि मोज़रेला चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। एंड ये जब आप तोड़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से खिसती है, दिखाती हूँ। चलिए इसको स्प्रेड कर लेंगे। एक बाउल में मैंने ये चीज़ ले ली है इसी तरीके से, एंड इसको ब्रेड पर स्प्रेड करना है। बहुत ज़्यादा नहीं स्प्रेड करूँगी और ना ही बहुत कम, एवरेज क्वांटिटी में आपको रखना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा खाना चाहें उसी तरीके से आप चीज़ स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये मैंने स्प्रेड कर लिया है। आप इसमें चाहें तो वेजीज या कॉर्नस या जो भी आपका मन चाहता है वो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने कैप्सिकम एंड अनियन जो चॉप किए हुए थे वो मैं ऐड कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया इसमें। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको चीज़ गार्लिक ब्रेड पसंद है या पिज़्ज़ा पसंद है कमेंट बॉक्स में। देखिए इसे हम सेकंड ब्रेड से जो है इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से अच्छे से। एंड जिसमें कम पेस्ट लगा था वो हमें ऊपर के साइड रखनी है ब्रेड। देखिए ये दोनों ब्रेड रेडी हैं।
एंड ध्यान रखिए आपका फ्लेम ऑन नहीं होना चाहिए ब्रेड रखने से पहले, पहले ब्रेड रख दें फ्लेम बाद में ऑन करें। मैंने तवा नहीं लिया है, पैन लिया है, आपका जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत धीमी आंच रखें, गैस का फ्लेम जो है लो रखें, इसको आप लेड से ढक दें इस तरीके से, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, 40 to 50 सेकेंड तक इसको पकाना है। देखिए मैं दिखाती हूँ इसको कि ये किस तरीके से सिकी है, पलट कर देखिए इस तरीके से अच्छे से ये सिक चुकी है एंड जली भी नहीं है। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि फ्लेम जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड हम सेकेंड साइड से भी सेक लेते हैं, इसको ढक देते हैं उसी तरीके से। ये जो है हमारी ब्रेड जो है अच्छे से सिक चुकी है, इसे हम पैन से निकाल लेते हैं। ये रेडी है हमारी, देखो दोनों साइड से मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल भी जला नहीं है, अच्छे से सिक चुकी है दोनों साइड से। मैं इसको कट करके दिखाती हूँ, देखिए काफ़ी क्रिस्पी हुई है और अच्छे से कट भी हो रहा है। अगर ये सॉफ्ट होती तो ये अच्छे से कट नहीं होती। देखिए चीज़ भी काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये हमारे चीज़ गार्लिक ब्रेड जो है रेडी है, आप अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैं इसको तोड़ कर दिखाती हूँ किस तरीके से अच्छे से चीज़ मेल्ट हुआ है, एंड देखिए खिंच रहा है अच्छे से, देखो। आप ज़रूर ट्राई करें एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी, एंड इन फ्यूचर आप अगर चाहते हैं मैं कोई और डिश बनाकर आपको दिखाऊं तो प्लीज़ आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर करें। टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, फर्स्ट कि आप जो है गार्लिक पेस्ट बैक साइड पे ज़्यादा ना लगाएं, सेकंड फ्लेम ऑन ना करें पहले, एंड थर्ड रूम टेम्परेचर पर बटर रखें। थैंक यू।